International Watches Collection by Minutes to Style, Martindale Bridge, Ajmer. Nilos, Unisex Salon and Academy, Opposite Badar Vidyalay, Vishali Nagar, Ajmer. मंच पर विराजित सभी पदाधिकारी, आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 55वें प्रांत अधिवेशन का शुभारंभ हो चुका है। यहाँ पर सर्वप्रथम प्रदर्शनी उद्घाटन माननीय श्रीवर्धन जी भाई साहब, यहाँ के स्थानीय सांसद भागीरथ जी चौधरी, वासुदेव जी देवनानी जो स्वागत समिति के अध्यक्ष भी हैं अधिवेशन के लिए, साथ ही विद्यार्थी परिषद के सभी जिलों से लगभग 1000 से अधिक कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच चुके हैं और दिन भर आज अलग अलग तरीके के कार्यक्रम के माध्यम से 31 तारीख को यह अधिवेशन संपन्न होगा, जिसमें कल खुला अधिवेशन यहाँ से प्रारंभ होकर यहाँ पर राजकीय म्यूजियम तक जाएगा और वहाँ पर एक खुला मंच भी रहेगा जिसमें छात्र नेताओं के भाषण भी रहेंगे। क्या टाइमिंग रहेगा उसकी? टाइमिंग 3 बजे से यहाँ से प्रारंभ होगा और वहाँ पर 5 बजे खुला अधिवेशन प्रारंभ होगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देश के हर एक मुद्दे पर, हर एक सामाजिक मुद्दे पर, हर एक राजनीतिक मुद्दे पर यहाँ पर चर्चा करने वाला है। जो भी देश में घटनाक्रम अभी तक हुए हैं उनको लेकर भी यहाँ पर चर्चा होगी। साथ ही विद्यार्थी परिषद अपनी एक विशेष कार्यपद्धति के कारण जो छात्र छात्राएं यहाँ पर आते हैं, विद्यार्थी परिषद ने वास्तव में इतने सालों में क्या किया है और वास्तव में विद्यार्थी परिषद किस दिशा में जा रही है, उस दिशा का एक और छात्राओं को, युवाओं को एक नई दिशा देने का काम अधिवेशन यहाँ पर करने वाला है। मैं भंवरी विष्णुई समाज से बिलोंग करती हूँ और हम हैं जो पर्यावरण को संदेश देने के लिए लगातार हर वर्ष हर जगह प्रदर्शन लगाते हैं और जहाँ भी बड़े मेले का आयोजन होता है वहाँ पे हम प्लास्टिक बीनते हैं और लोगों को संदेश देते हैं कि हमें गंदगी नहीं करनी है, पेड़ों को बचाना है, प्लास्टिक मुक्त देश बनाना है। इसके लिए मैं खम्मूराम जी के साथ 2013 से लगातार जुड़ी हुई हूँ और मैं मेरे गांव में बालिका शिक्षा और महिलाओं के साथ भी सशक्तिकरण को लेकर काम करती हूं और इसमें आके मुझे बहुत खुशी हुई है और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है कि नहीं, वास्तव में प्रकृति हमें क्या देती है और हम प्रकृति से जो चीज़ हमें लेनी चाहिए या हमें प्रकृति कुछ जो देना चाहिए वो अभी हम नहीं दे पा रहे हैं, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों को जागरूक करें, उनको बताएं कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ 3 दिन के लिए अभी प्रदर्शनी में आए हैं और हमने माँ अमरता देवी के और धरती से जुड़े जो भी स्लोगन हैं उनके माध्यम से सारा है जो प्रदर्शनी लगाई है। क्या उद्देश्य देना चाहते हो शहरवासियों? मैं शहरवासियों को यही बताना चाहती हूँ कि हम शहर की जैसे पढ़ाई है या जो भी नया काम धंधों भाग दौड़ में हम इतने भूल चुके हैं कि हमारी जो प्रकृति पेड़ पौधे हैं या जो है वो सब नष्ट होते जा रहे हैं और हमारा उधर ध्यान नहीं जा रहा है, तो मैं सबको यही बताना चाहती हूँ कि हर कार्यक्रम या कोई भी गतिविधि हो हमें पेड़ों को बचाना है और पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं और उनकी रक्षा करनी है, उनकी रक्षा ही हमारा जीवन का मूल मंत्र है और वही हमें आगे ले जाएगा। प्रदर्शनी लगाई है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हमें आमंत्रित किया है। मैं जोधपुर से हूँ, लोग मुझे पर्यावरण प्रेमी और पर्यावरणविद कहते हैं और हम 2005 से प्लास्टिक का कचरा उठाते हैं, कचरा फेंकने नहीं देते हैं, फेंका हुआ उठा लेते हैं, फ्री में कांच की गिलास हैं, कपड़े की थैलियाँ और ये इस प्रकार का बांटते हैं और लगातार नॉन स्टॉप ये काम कर रहे हैं। प्रदर्शनी इन्होंने कहा लगाई था कि लोग जागरूक होंगे, युवा पीढ़ी जागरूक होगी, युवा जागरूक हो गया तो पूरी दुनिया जागरूक हो जाएगी। कितने साल से लगा रहे हो आप? मैं 2005 से प्रदर्शनी तो ये अभी लगातार लगा रहे हैं लेकिन काम कर रहे हैं 2005 से नॉन स्टॉप। आज भी पब्लिक इतना कचरा फेंक देती है, गंदगी करती है, उसके क्या कहना चाहोगे आप लोग? मैं आज जो पब्लिक कचरा फेंक रही है वो पब्लिक एक्चुअल में अवेयर नहीं है, उनको मालूम नहीं है कि वो खुद का मरने के लिए खुद गड्ढा खोद रही है और पढ़े लिखे भी अनपढ़ हो रहे हैं, तो उनको मैं यही कहूँगा भाई आखिर धरती को गंदा करके तुम किस जगह जाओगे? कोई दूसरी धरती तो है नहीं, इसी धरती को जैसे मेरा घर है तो मैं उसको गंदा करूँगा तो कहाँ जाऊँगा? दूसरा वाला घुसने नहीं देगा, वैसे धरती माँ है, अगर हम इसको गंदी करेंगे, इसको नरक बना देंगे, दूसरी धरती पर जाना एक कॉमन आदमी के लिए बहुत ही संभव नहीं है।
नाम बताना। मेरा नाम खमुरा मिश्नोई है, लोक पर्यावरण प्रकृति जोधपुर एकलोर गांव से हूं और राजस्थान हाईकोर्ट में भी सर्विस करता हूं।